अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी, अभी शाम का टाइम था और अभी हमारी बन रही है शाम की चाय, और चाय बनाने के बाद हमें बनाना है पानी पूरी। तो जी, ये है जो कच्ची पानी पूरी। तो ये हम अपनी मम्मी के इधर से इसका पैकेट लाए थे और कब से रखा हुआ था, बस बनाने में नहीं आ रही थी। तो आज जो है घर में आलू वगैरह भी थे, तो हमने सोचा कि चले आज बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ना मतलब कुछ भी चटपटा खाने का मन होता है। तो फिर हमने सोचा कि घर में जो चीज़ है तो वही बना लेते हैं, और नाजुरा का जो है तो उसको भी अच्छा लगेगा। आजकल उसका भी बुखार की वजह से जो मुँह ख़राब हुआ है, तो बस कोई चीज़ का टेस्ट ही नहीं लग रहा, ऐसा बोलती है वो हमसे। तो ऐसा, तो जी ये है हमारी पानी पूरी जो अभी हमने इसे तल लिया है, और आलू जो है हमने उबलने के लिए रख दिए थे। तो ये देखिए हमारे आलू जो है वो भी उबल गए हैं, और अभी हम इन्हें छील लेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्म थे, लेकिन ना हमें जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि नाजुरा का जो है तो मदरसा जाने का टाइम हो रहा था, और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा ना ये खा के चले जाए, तो इसलिए हमने फिर गरम आलू ही जो है तो छीलना शुरू कर दिया था। तो ऐसा, और चने तो हमारे पास थे लेकिन हमने भिगोए नहीं थे, तो कोई नहीं। अभी ये देखिए, ये मैडम जो है तो ये ट्राई कर रहे थे इस चॉपर में जो है प्याज चॉप करने का, तो इनसे हुआ नहीं। तो अभी ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से कर रहे थे, और बार बार हमें बोल रहे थे कि हमें करने दो, हमें करने दो। तो ऐसा, तो इसमें अच्छी तरह से जो है हमारी प्याज बारीक हो जाती है। और ये है इमली, तो ये हमने भिगोई थी पानी पूरी के पानी बनाने के लिए। तो चले फिर अभी हम बना लेते हैं फटाफट से हमारा पानी पूरी का पानी, मीठा और तीखा दोनों। और अभी हम लगा लेंगे, देखिए ये है हमारा आलू और प्याज, और ये है पानी पूरी हमारी, और ये है मीठा और तीखा दोनों पानी। तो चले फिर अभी हम लगा लेते हैं एक प्लेट और आपके भाईजान को देते हैं। वैसे तैयार प्लेट अगर हमें मिले ना खाने में, तो बड़ा मज़ा आता है। प्लेट बनाना हमारी भी बहुत ज़्यादा जान पे आती है, लेकिन चले दे देते हैं, शायद उनका भी थोड़ा सा टेंशन ख़त्म हो जाए, ख़त्म नहीं होने वाला, थोड़ा कम हो जाए, और मतलब उनका मूड जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए। और जी, हमने आलू और प्याज को मिक्स नहीं किया है, अलग अलग ही रखा है, क्योंकि अगर फिर हम मिक्स कर लेते और ये बच जाता ना, तो फिर कुछ काम में नहीं आने वाला था मतलब, तो इसलिए हमने मिक्स नहीं किया। और अगर अभी बच भी जाएगा तो हम किसी ना किसी काम में इसे ले लेंगे। तो ऐसा, तो चले प्लेट लग गई है और अभी देते हैं आपके भाईजान को। तो जी ये है नेक्स्ट डे, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और शुरुआत शाम में भी हमने चाय से ही की थी, और दिन की भी चाय से ही की है। तो ऐसा, और खाने में हम बनाने वाले हैं आज मटन का सालन और रोटी। तो जिसके लिए हमने ये लिया है मटन, साफ़ करके धुल के रख दिया था, तो अभी हम मटन को जो है गलने के लिए रख देंगे। और जी, पानी पूरी हमने रात में शाम में बनाई थी कल, तो आपके भाईजान बोल रहे थे कि अच्छी टेस्टी पानी पूरी जो है तो बनी थी। अगर हम ठेला लगाएंगे पानी पूरी का ना, तो बहुत ज़्यादा बिकेंगी हमारी पानी पूरी। तो ऐसा, तो हमने कहा ठीक है, अगर इससे ये बेचने से हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं ना, तो हम ये भी कर लेते। लेकिन जी ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है, हम तो जी इतने डरपोक है कि बाहर भी हम बहुत कम निकलते हैं। तो ऐसा, और जब हम बाहर इतना कम निकलते हैं तो ठेला वगैरह क्या लगाएंगे। तो चले फिर हमने जो है मटन वगैरह हमारा जो है उबालने के लिए रख दिया था, और साथ ही हमने ये आटा है तो ये भी गून के जो है रख लिया है। तो अभी बना लेंगे रोटी। तो जी, रोटी हमारी हो गई है, ये आखिरी रोटी है। और जितना आसान आपको बताने में लगता है ना कि ये करना है वो करना है, उतना आसान होता नहीं है बाबू को संभालते हुए। एक काम के लिए हमें 10 बार बाबू के पास जाना पड़ता है, और उन्हें ना खेल में लगाना पड़ता है। तो जी ऐसा, और अभी हमारा मटन जो है तो उबल गया था, मतलब गल गया था, और अभी हमने उसमें मसाला नहीं डाला सालन बनाने के लिए, बस ऐसे ही रख दिया है। तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे,
बार बार से किचन में आके और इधर उधर सामान वगैरह जो है तो निकाल रहे थे, फेंक रहे थे। तो अभी हम ना इधर आ गए हैं आगे वाले रूम में। और अभी ना जी ये कुछ कपड़े हैं हमारे जो थोड़े बहुत सूखे थे, तो हमने सोचा कि चले अभी बाबू यही हमारे सामने खेल रहे थे तो उनको संभालते हुए देखते हुए हम ये कपड़े तय करके रख देते हैं। और बाकी के कपड़े जो है हमारे अभी गीले थे तो जो सूखे हैं कम से कम वो रख तो देते हैं, एक एक काम मतलब होते जाएगा। तो ऐसा और बीच बीच में आपको बाबू की रोने की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और उसकी आवाज़ को इग्नोर कर लीजिएगा। तो ऐसा और अभी देखिए ये जनाब आ गए हैं, इनको नज़र आ गया है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, बस उनके लिए नहीं बैठे हैं हम स्पेशल। तो जी ये अभी ऊपर आने की ज़िद कर रहे थे और हम इन्हें ऊपर आने को हाथ दे रहे थे। तो बस फिर इस तरह का ही जो है रूटीन चलते रहता है, इनको संभाल के काम वगैरह निपटाओ। तो ऐसा तो जी ये जनाब आ गए हैं ऊपर हमारे पास और ये देखिए कैमरा भी इनको जो है तो नज़र आ गया था। तो अब ये हमें कोई काम करने देने वाले नहीं है और जो तय करके हमने कपड़े रखा है तो उनको भी ये बिगाड़ के रख देंगे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि इन्हें मतलब कोई चीज़ हाथ में दे दे ताकि ये इसमें बिजी हो जाए और हम जो फटाफट से हमारे कपड़े तय करके रख दे। तो ऐसा तो चले अभी हम पहले कपड़े तय करके रख लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, ये जनाब नहीं करने देंगे अभी। तो जी अभी हमने कर लिए हैं ये कपड़े तय और इतने ही कपड़े थे हमारे अभी सूखे हुए, बाकी के जो है तो गीले हैं। और जब भी हम कोई काम निकालते हैं तो ये जनाब तुरंत हमारे पास आके बैठ जाते हैं और अगर हम बस ऐवी उनके पास बैठे रहे तो ये मतलब दूर दूर भाग के और खेलते हैं। तो बस इनको संभाल के काम मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेबी टाटा करो, बेबी टाटा कर दो। और अभी देखिए चादरें वादरें जो हमारी है तो वो भी तय करनी है, ऐसी ही रखी हुई है। तो काम का ना शेड्यूल नहीं है, जब जिस काम का टाइम मिलता है तो वो करते जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मेन काम जो है हमारा इनको संभालना है। तो ये देखिए इनको ना बिल्कुल चैन नहीं होता, बस इधर से उधर इधर से उधर। बेबी टाटा करो ना, बेबी टाटा। तो अभी जो ये जनाब चले गए हैं और ये देखिए खिलौने जो है तो कम पड़ते हैं, इससे खेलते हैं घर के सामान से।